देखो हमको ये पता है कि इसका तुम्हें फायदा कहाँ मिलने वाला है। एक तो यहाँ पे तुम यदि इस टॉपिक को तैयार कर लोगे तो 20-50 शब्द तुम्हें ऐसे होंगे जो वहां पर इसी शब्दों से खेल करके तुम पूरा इंटरव्यू निपटा सकते हो सिर्फ इसी पे। कैसे उधर लाना है वो तुम जानो कि मतलब वो कुछ भी पूछें, जैसे मान लो तुम कोई क्वेश्चन पूछो मुझसे, व्हाट एवर यू क्वेश्चन, यू आस्क द क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड। अब देखो ग्रीन बॉन्ड क्यों कर रहे हैं हम, ला रहे हैं, पता है, फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम एंड टू प्रमोट द राइट टू लिव विद द बेटर एनवायरमेंट। ठीक है, इसके लिए ग्रीन बॉन्ड का पैसा हम लाते हैं। ठीक है, तो ये तुमने बोला तो वो तो सही हो गया, ये तो तुम्हारा बोल करके सही हो गया, लेकिन अब इसके बाद तुमको लाना तो यहां पर है ओपन जस्टिस पे, तो तुम बोलना सर इवन द कोर्ट्स आर इंसिस्टिंग फॉर ग्रीन बॉन्ड्स थ्रू ओपन जस्टिस। तो या तो वो ये पूछेंगे इकोलॉजी पे, या पूछेंगे एनवायरमेंट पे, या लास्ट में तुमने जहां छोड़ा वो टप्प से पकड़ लेंगे, ये ओपन जस्टिस क्या है, समझ गए कि नहीं समझ गए। बस अब बॉल तुम्हारे पाले में है और उनको वहीं बैठने दो, टप 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 तुम खेलो और बोले सर देख रहा हूं मजा आ रहा है आपको, ये तुम्हारा खेल होता है। ठीक है ना, कि तुम अपनी स्ट्रेंथ पे ले जाओ, और तुमने कहीं अनशंट बोल दिया उसमें ग्रीन बॉन्ड में शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट, और तुमको पता ही नहीं है। ठीक है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, यही सब तो ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहे हैं, म्यूनिसिपल, ये तुमने बोल दिया, अब तुमको पड़ी पूरी प्रक्रियाएं पता नहीं है, तो वो तुमको एक पीलर ले लेते हैं, पीलर समझते सब्जी छीली जाती है, वो छीलते हैं फिर आपको, तब तक जब तक आप ब्लीड ना कर दो, सर माफ करो अगली बार आ जाएंगे हम। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ पे जाओ, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा,